जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश प्रेम में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जरूरी जानकारी बताऊंगा। आजकल जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, दुनिया स्मार्टफोन में जुड़ गई और इंटरनेट से बहुत ज़्यादा लोग जो हम जुड़ चुके हैं, और उसी तरह से ही आजकल साइबर क्राइम भी बढ़ गए हैं। अभी आपको बाकी जगहों पे नॉर्मली जेब कतरे नहीं दिखाई देंगे, जो पहले हर रेलवे स्टेशनों पे मिल जाते थे, छोटे मोटी चोरी डकैती करते थे, आजकल उनके तरीके भी बढ़ गए हैं और वो भी डिजिटल हो गए, यानी चोरी के तरीके भी डिजिटल हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में, या कि इंटरनेट के जरिए जो भी क्राइम होते जा रहे हैं, कैसे आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, किस किस टाइप से आपको सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती से आपके साथ कुछ इस तरीके का फ्रॉड हो भी जाता है तो उससे बचने के उपाय मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, आप सभी को बताऊंगा कि कहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहाँ से आप इसका समाधान करवा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। और दूसरी बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी आम जिंदगी से जुड़ी हुई जानकारियाँ होती हैं, जितना मेरे से पॉसिबल होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि सभी तक जागरूकता हम फैला सकें इस बारे में, और बाकी लोग भी जागरूक हों और इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं कि किस किस टाइप के क्राइम हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की घटनाओं जिनके साथ घटित हो चुकी होंगी, या कई ऐसे होंगे कि जो फंस भी चुके होंगे जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका होगा, यानी और कुछ जो है कॉल्स आई होंगी, तो हो सकता है अपने आप को अगर जागरूक रखा होगा तो बच चुके होंगे इन चीज़ों से। मेरे पास भी इस तरह के दो तीन फ्रॉड जो होते होते मैं बचा, क्योंकि अगर आप जागरूक हैं तो आप उस चीज़ को भांप लेंगे कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है करके। तो अभी हम साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं कि क्योंकि सभी डिजिटल हो चुके हैं, इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, तो कोई भी चीज़ जो इंटरनेट पे है वो सुरक्षित नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, इंटरनेट मतलब सारी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, और आप कहीं भी जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं भी हैक किया जा सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में बड़े बड़े हैकर्स हैं। अब इससे बचना ऐसे नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरीके से बच सकते हैं, आप चाहे अपनी सावधानियां रख लीजिए, लेकिन क्या है कि कुछ हद तक आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, आर्मी है, यहाँ तक कि बड़ी बड़े देशों की सेनाएं होगी, बैंकिंग जो हो गए जो कि अपनी सिक्योरिटी को बहुत हाई लेवल पे पासवर्ड प्रोटेक्शन और जो पावरफुल सिक्योरिटी लगाने के बाद भी वो सेफ नहीं होते। ठीक है, जो बड़े हैकर होते हैं यहाँ तक कि उनके पासवर्ड को भी क्रैक कर लेते हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं वो चुरा लेते हैं, यानी कि उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, जरूरी जानकारियाँ होगी, वो बड़े बड़े देशों से भी चुरा ली जाती हैं। लेकिन अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो कम से कम अपने आप को कुछ हद तक सेफ रख सकते हैं। अब फ्रॉड किस टाइप से हो सकते हैं? अभी ज़्यादातर क्या होता है कि आपको लालच दे दिया जाएगा, आपकी ईमेल है, मेल के ऊपर में कोई किसी प्रकार की मेल आई और उसमें आपको दे दिया गया कि आपकी लोटरी लगी है, लालच दे दिया जाएगा 20 लाख की, 1 लाख करोड़ की मान लो आपकी लोटरी लगी, उसमें विज्ञापन आपको छाप के दे दिया जाएगा कि आप इतना पैसा आप जमा करो, कंडीशन दे देते हैं उसके नीचे कि आपकी लोटरी लगी है, आप नीचे फॉर्म दिया गया उसको फिल करके, यानी आपके नाम वगैरह डिटेल्स उसमें फिल करके भेज दीजिए, और उसके साथ ही आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। जैसे दे देंगे कि आपको 25,000 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तब आपको जो है ये 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस तरह की जो फ्रॉड जो मेल्स आती हैं, तो पहली बात तो फर्जी मेल्स पे क्लिक ही ना करें। दूसरी बात, आपने क्लिक कर दिया तो अपनी जानकारी उनके साथ शेयर ना करें, आप कहीं ऐसा ना हो आप लालच में आ जाएं, लालच दिया जाएगा आपको और आप अपनी जानकारियां उनके साथ शेयर कर देंगे, तो ये एक हो गया फंसाने का तरीका। उसमें कुछ नहीं होता, वो आपके डिटेल्स चुरा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी फर्जी जो मेल भेजी जाती है उस पर क्लिक ना करें, नंबर एक बात। नंबर दो, आपके पास SMS आ सकता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, उसका KYC करवा लीजिए करके आपके पास कोई फ़ोन में SMS आया, और या तो उसके नीचे लिंक दे दिया जाता है मैसेज में। ठीक है, वो एक लिंक दिया जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी KYC कर लें। अब उसमें होगा क्या, आप उस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे जाएंगे तो वो जो वेबसाइट खुल जाएगी वो फर्जी वेबसाइट होती है, जो कि आपकी डिटेल्स चोरी कर लेगी। आप जो भी अपना नाम या बैंक डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो वो सारी के वो चोरी हो जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। इसी तरीके का एक और मेथड होता है कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगता है, यानी उसमें लिखा आएगा कि आप अपने फ़ोन को दूसरे किसी थर्ड पर्सन को, जो वो
आपकी जानकारी लेना चाह रहा है, उसको अपने फ़ोन की डिटेल्स आप शेयरिंग कर रहे हैं, यानी आपके फ़ोन का क्लोन टाइप का जाएगा। तो जैसे ही आपकी जानकारी आप खोलेंगे, जो भी आपके फ़ोन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो भी फाइल्स हैं, वो सभी फाइलें अगले के पास खुल जाएंगी। ये क्लोनिंग सिस्टम होता है। तो दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि कोई भी आपके पास इस तरह का SMS आता है जिसमें आपको KYC वगैरह कुछ डिटेल्स के लिए बोला जाता है, तो आप अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। तीसरी बात आपको बता देता हूँ कि प्ले स्टोर पे वेरीफाइड जो ऐप हैं उन्हीं को ही आप इंस्टॉल करें। ऐसे नहीं है कि कोई भी आप बाहर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर लें, कहीं से आपको लिंक आ गया, कोई ऐप है जो लालच दिखा रही है, कोई लोन ऐप है, किसी भी है, यानी बाहर से कोई भी ऐप जो वेरीफाइड नहीं होती उस ऐप पे आप क्लिक ना करें, इंस्टॉल ना करें, जहाँ से आपकी जानकारियाँ चोरी हो सकती हैं। इसके बाद और कैसे फ्रॉड होते हैं, ये मेरे साथ भी एक ऐसे हुआ कि मेरे किसी एक रिलेटिव की फेक ID बना ली गई फेसबुक में, और उसमें जब मैंने उसको खोल के देखा तो उनकी काफ़ी सारी फ़ोटोएं थी, जो मेरे रिलेटिव थे उनकी काफ़ी फ़ोटोएं उसके अंदर थी प्रोफाइल में। मुझे भी कोई ज़्यादा शक नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन हम यही चेक करते हैं कि हाँ उनकी जो फ़ोटोएं हैं तो ये उनकी रियल ID होगी। तो इस तरह के जो हैक करने वाले लगा लो या चोरी करने वाले लोग क्या करते हैं, किसी की प्रोफाइल जो पिक्चर्स है या प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल से आपकी जितनी भी फ़ोटो हैं वो सब क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, या फिर उनको लेके सभी को कलेक्ट करके एक नई सेम नाम से अलग ID बना लेंगे, और उससे फिर आपके जितने भी फ्रेंड्स को वो देख लेते हैं कि इनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, तो उन्हीं के सब के पास में मैसेज भेज देते हैं कि मैं अर्जेंट हूँ, या मेरा किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो मेरे पास भी ऐसे ही एक मैसेज आया मैसेंजर के थ्रू, उन्होंने बोला कि मैं कोई एडमिट है हमारा कोई रिलेटिव और अर्जेंटली मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है करके। तो क्योंकि मुझे पता था कि इसमें फ्रॉड भी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, पैसे डालने से पहले डायरेक्ट उनसे बात किया फ़ोन करके। जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे SMS किया, क्या प्रॉब्लम होगी करके, तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई ऐसा मैसेज तुम्हें किया नहीं है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तब मुझे लगा कि हाँ ये फ्रॉड प्रोफाइल थी और फेक जो है ID बना के लूटने का काम किया जा रहा था, मैंने उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि अनोन पर्सन तो है ही है, आप किसी भी जिसको आप जानते नहीं ऐसे को फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप एक्सेप्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, अपने किसी रिलेटिव की ID को देख के भी अगर आप ये सोचते हैं कि ये सही है, इसकी फ़ोटोएं भी हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स भी डली हुई हैं, तो भी संभल के आप काम करें। ऐसा नहीं है कि किसी पे आंख बंद करके आपका मैसेज आया, आप तुरंत उसका आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते तो पैसे चले जाते। मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो जाता है यानी उस दिन। ये थी एक और टाइप की धोखाधड़ी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या हो सकता है। अभी क्या होता है, जो फर्जी प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है, यानी आप किसी लड़की की फेक ID बना ली जाएगी, हनी ट्रैप बोलते हैं जिसको, फर्जी ID बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है भेज दी जाएगी, उसके बाद में आपसे चैटिंग शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्लोजनेस बढ़ा ली जाएगी, फिर आपसे डिमांड की जाएगी कि भाई आप मुझे पैसे दे दें, या रिचार्ज के रूप में किसी न किसी रूप में आपसे पैसे मांगे जाएंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है, कई ऐसे तरीके होते हैं जिसमें वो आपसे पिक्चर की डिमांड करते हैं कि इस टाइप की पिक्चर भेजेंगे तो आप 200 रुपये भेजो, इस टाइप की पिक्चर अगर मेरी चाहिए तो 500 रुपये डालो, और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो 1,000 रुपये डालो। ऐसे करके ये टाइप के फ्रॉड भी हो रहे हैं जिसमें बंदे से धीरे धीरे करके पैसे डलवाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कई जो फर्जी लोग होते हैं, अभी आपको एक और जानकारी बताना चाहूँगा, ये उन लड़कियों के लिए हैं जो बहकावे में आ जाती हैं और जो प्यार मोहब्बत के चक्रों में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, ये स्पेशल उनके लिए है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था यही था कि लोग जागरूक हो सकें, और अगर आपको भी लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना। कई लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़कियों को फंसा लेते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करके उनकी प्राइवेट वीडियोज़ बना लेते हैं, ठीक है, कई होटलों में बना लिया, नहीं तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फंक्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है, उनसे वीडियो कॉल जो कर रहे होते हैं उनसे बिना बताए ही चोरी छिपे उनका वीडियो बना लिया जाता है, उसका मिसयूज कैसे करते हैं वो फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अब लड़की फंस गई, क्योंकि वो फंसी तो थी प्यार के चक्कर में, और बाद में इस तरह के जो हरामी टाइप के जो लोग होते हैं, जो फ्रॉड जो लड़के होते हैं, वो फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने तरीके से तो गलत बिहेव करवाते ही हैं उनसे, फिर बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में बाकी जगहों पे एक आध केस मैंने इस टाइप का देखा है कि किसी लड़कियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो जो लड़कियां हैं वो जागरूक रहें इस तरह का, किसी के साथ पहली बात तो बहकाव में ना आए, दूसरी बात अगर कोई आपसे फ्रेंड सर्कल में है, कोई वीडियो कॉलिंग के दौरान कोई भी ऐसी हरकतें या कोई ऐसी एक्टिविटी न करें
जिससे कल को आपकी इज्जत खराब हो। आप ऐसे चक्कर में फंस जाती हैं कि न तो आप अपने पेरेंट्स को बताने लायक रहेंगी, न आप पुलिस के पास जाने लायक रहती हैं। फिर उस कंडीशन में फंसने के बाद या तो गलत काम करने में लग जाएंगी या फिर सुसाइड वाला रास्ता बचता है, एक तो कि सुसाइड वगैरह कर लेती हैं। तो ऐसे काम पहले ही सोच समझ के कदम उठाएं, कोई भी गलत काम न करें। ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? कार्ड का क्लोनिंग किया जा सकता है। अभी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होगी या उम्र में बड़े हैं, कार्ड मिल गया उनको, उनका एटीएम कार्ड है, पेंशन के लिए वो या अपनी कोई भी अमाउंट निकालने के लिए कहीं एटीएम में चले गए, वहाँ जाने के बाद में अब उनको पता नहीं है उसका प्रोसेस एटीएम का, तो क्या करते हैं, पास में जो कोई भी आदमी खड़ा होता है उसको दे देते हैं कि मेरा एटीएम कार्ड ले लो और मुझे रुपये निकाल के दे दो। अब जो कई चालाक तरह के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह एटीएमओ के पास घूमते रहते हैं या खड़े रहते हैं वहीं पे। अब वो क्या करेंगे, आपका कार्ड ले लेंगे, पिन उसको पता चली जाता है आपसे, पता चलने के बाद वो जो फर्जी कोई एक्सपायरी वाले कार्ड वगैरह लेके रखते हैं अपने पास, वो एक्सपायरी कार्ड बदले में चुपके से आपको पकड़ा देंगे, आपका पैसा आपको दे देंगे, आप चले जाओगे, आपका फिर आप पीछे से जो भी अकाउंट वगैरह है वो खाली कर दिया जाएगा। तो किसी को भी भरोसा करके एटीएम वगैरह आप यूज़ ना कराएं, या तो अपने किसी भरोसेमंद रिलेटिव को साथ लेके जाएं जिस पे आप विश्वास करते हो, अदरवाइज ऐसे किसी भी लोगों पे एतबार ना करें। बीच में क्लोनिंग होती थी कार्ड के डुप्लीकेट, एटीएम मशीन के अंदर जहाँ आप कार्ड डालते हैं उसी की जगह को ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता था जिससे आपका कार्ड का क्लोनिंग बन जाता था, उसको मिसयूज करके भी पैसे निकलते थे। तो कुछ इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। ओटीपी वगैरह, आप जब भी कभी ओटीपी आता है आपके पास में, किसी बैंक का कोई ओटीपी आया और किसी ने मांगा कि मेरे को ओटीपी दीजिए, तो नंबर एक तो ये बात किसी के साथ भी शेयर ना करें। ओटीपी एक वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि बैंक से एक ही बार यूज़ करने के लिए होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन या अगर लिख के आता है, पहली बात तो जो भी SMS आता है अच्छी तरीके से उसको पढ़ लें कि किसकी रिगार्डिंग है, वो OTP किसके बारे में आया है, उसके बाद ही जाके आप उसका फैसला करें। ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी अपना OTP दे दिया और आपने क्लियर कर दिया। इसके अलावा जब कभी भी आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, यानी रेलवे स्टेशन वगैरह चले गए, कहीं बाज़ार में जा रखे हैं और आपको ओपन नेटवर्क मिलता है, यानी वाईफाई ओपन नेटवर्क मिल जाता है जहां पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है, तो उसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये भी एक आसान तरीका होता है आपकी जानकारी चुराने का। हमेशा ऐसे ही नेटवर्क का इस्तेमाल करें, या तो आपके अपने पर्सनल फ़ोन का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करें, या किसी ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क है जहां पे आप भरोसा कर सकें, रजिस्टर्ड वाईफाई का कोई, जैसे रेलवे स्टेशन का नेटवर्क है, तो ये आप कोशिश करें, अदरवाइज अवॉइड करने की कोशिश करें, जो भी ओपन वाईफाई नेटवर्क है उसको यूज ना करें। दूसरी बात, कभी आप जा रहे हैं और कहीं आपको कोई पेन ड्राइव वगैरह गिरा हुआ मिल जाए, आप उसको उठा के ले जाएंगे और आप अपने सिस्टम में लगा दें, ये भी गलतियां ना करें, क्योंकि ये भी एक मेथड होता है जिसमें कि उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसे एरर कोड डाल दिए जाते हैं, आप ले जाएंगे, पता है उन्हें, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं लगा के चेक करेंगे या देखेंगे, तो उसमें वो कोड डाल दिया जाएगा और वो आपके सिस्टम में इंटर हो जाएगा। ये होते हैं वायरस के अटैक, जो आपके सिस्टम से जानकारियां या तो करप्ट कर देगा, आपके सिस्टम को ख़राब कर देगा, नहीं तो कुछ इस तरीके के वायरस आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है, जिससे कि अगर आप इंडिविजुअल आपका कंप्यूटर या सिस्टम है तो वो ख़राब हो जाएगा, अगर आपका नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है, कहीं कई सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वायरस अटैक हो सकता है। तो ये गलती भी ना करें, कहीं भी अनऑथराइज पेन ड्राइव वगैरह को एक्सेस आप ना करें, ठीक है। ये कुछ सावधानियां जो मैंने बताई, कॉमनली जो एरर होती हैं, कॉल आ सकती है किसी की, फ्रॉड कॉल अगर किसी की आपके पास में आई, अभी कॉल में भी एक और फ्रॉड हो गया, क्योंकि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक बहुत बड़ा नया जो हथियार बनता जा रहा है इस तरह के जो हैकर्स होते हैं उनके लिए, वो आपकी आवाज़ की भी क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी आपकी आवाज़ के जैसे सेम आवाज़ आपको कॉल आएगी, या आपके पेरेंट्स के पास मान लो कॉल गई, आपकी आवाज़ निकाली जाएगी उसमें और बता दिया जाएगा कि मैं कहीं फंस गया हूँ या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आप जल्दी से जल्दी पैसे दे दो करके, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या सच में मेरे अपने बच्चे की आवाज़ है या किसकी आवाज़ है, क्योंकि उससे सेम टू सेम आवाज़ को कॉपी करके और अगले तक बात की जाती है, यानी क्लोनिंग टाइप की हो जाती है आवाज़ की भी AI के जरिए। तो जब भी कोई इस तरह की कॉल आती है तो रीवेरीफाई जरूर कर लें, आपके पास जिसके पास नंबर है उससे, आस पड़ोस में किसी दोस्त है या वो कोई और है, तो उससे वेरीफाई करने के बाद ही आप करें, क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी आए थे जिसमें इस तरह के काम करके और पैसे डलवा लिए गए, वो उस तरह के भी फ्रॉड हुए हैं। तो ये कुछ मेथड जो मैं कॉमनली लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, एक वेब सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे जामतारा करके, और वो इंडिया का ही एक गाँव है जामतारा, उसमें छोटे से छोटे बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाता था कि वो सभी ये साइबर क्राइम के ही काम करते थे,
और उनके पास अब अगर गांव में उनके जाके देखा जाए तो अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे घर हैं उनके, उन्होंने साइबर क्राइम कर करके पैसे कमाए। उसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्स और अच्छी जानकारियां भी देखने को मिलेंगी। अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो वक्त निकाल के ऐसी सीरीज को जरूर देखें। जामतारा में बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड के बारे में दिखाया गया है कि लोग जो है किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं गलत क्राइम करने के लिए। ये थे साइबर क्राइम, ठीक है, कौन कौन से अपराध साइबर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे बचने के लिए क्या कर आपको करना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज एप्लीकेशन कहीं से इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। अगर वेरीफाई के लिए, केवाईसी के लिए, आपके क्रेडिट कार्ड बैंकिंग के लिए कोई भी आपके पास कॉल आती है और वो बोलता है, तो उस कॉल के बदले कोई भी जानकारी उस पर शेयर न करें, बल्कि अपने नियरेस्ट जो भी बैंक है, ब्रांच है, जहाँ पे भी आपका ब्रांचेज होगा उस ब्रांच में जाएं, वहाँ पे जाके अपना समाधान करवाएं, उनके साथ शेयर न करें। कोई भी एसएमएस वगैरह आता है, कोई लिंक आता है तो क्लिक न करें। हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट जो होती है, आप इंटरनेट जब यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम के अंदर आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, HTTP करके जो लिखा होता है, तो उसमें अगर एस लगा है, HTTP के बाद अगर एस लगा होता है, एस मतलब होता है सिक्योर के लिए, ठीक है। तो सिक्योर वेबसाइट जो होती हैं उन्हीं के ऊपर जाके आप अपनी डिटेल शेयर करें या उन्हीं वेबसाइटों का यूज़ करें। कोई भी वेबसाइट जिसके पीछे एस नहीं लगा है तो वो सिक्योर नहीं है, सावधान रहें, उस वेबसाइट का इस्तेमाल न करें। इसके बाद किसी भी अनोन पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें, फ्रेंड लिस्ट में शामिल न करें। हनी ट्रैप जैसे केस से बचें, कोई फर्जी आईडी बना के कोई लड़की अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है तो आप फंसने से बचें। इसके अलावा कोई भी अपनी जानकारियां किसी भी अनऑथराइज पर्सन जो है लगता है कि इसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वहाँ सेफ्टी बरतें, वहाँ पे इस्तेमाल न करें। फर्जी लोन वगैरह ऐप या आपको कोई इनाम के रूप में कोई भी फर्जी मेल भेजी जाती है तो उसके लिंक पे क्लिक न करें। ये सारी जानकारियां अपने आप संभल के कदम रखाएं, क्योंकि हम जिस डिजिटल लाइफ में अभी जा रहे हैं उसमें अपराध धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ नए तरीके निकलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपराध लिमिटेड हो चुके हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक OTP का मेथड अगर बंद हुआ तो दूसरा क्राइम वो ढूंढ लेते हैं, दूसरा बंद हुआ तो और कोई मेथड ढूंढ रख लेते हैं। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस डिवाइसेस का यूज करें। सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें, चाहे आपका फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर पासवर्ड को थोड़ा मजबूत या अच्छी क्वालिटी का पासवर्ड रखें। कोई कॉमन पासवर्ड 1234 एज लाइक दिस पासवर्ड नहीं यूज करना है। ये हो गया। इसके बाद अगर फिर भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है भारत सरकार की, उस पर जाएँ, अपनी डिटेल्स जो भी हैं, फ्रॉड आपके साथ किस टाइप का फ्रॉड हुआ है, अपनी डिटेल्स उसके ऊपर में आप सबमिट कर सकते हैं। और जो कि आपकी, आपको कहीं पुलिस स्टेशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है और कहीं जरूरत नहीं है, नंबर दिया गया है 1930 नंबर है, साइबर क्राइम सेल बनी है, उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं या वेबसाइट पर जाके अपनी जो भी डिटेल, किस टाइप का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, वो फ्रॉड की डिटेल्स उस पर दर्ज करें। ये थी हमारी जानकारियां जो इस वीडियो में मैंने सभी आपके साथ शेयर की। कुछ घटनाएं एक दो बार मेरे साथ घटित हुई हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ साझा की हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह के फ्रॉड हुए होंगे या फिर कई बार होते होते बच गए होंगे, तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, जो मुझे लगा कि बहुत अहम वीडियो है, मुझे जानकारी सबके साथ शेयर करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की जो वीडियो है आपके लिए और लेके आ सकूँ। कोई जानकारी जो भी मुझे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है कि आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि हम जागरूक हो सकें और इस तरह से हम अवेयर रहें। ठीक है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, जय हिंद।